हेलो। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है। तो हम लोग अभी चलो टैली ऑन कर लेते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम लोग टैली प्राइम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आपको टैली ओपन कर लीजिए। तो टैली ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसे भी दिखेगा। ये AIP 9 में नहीं था, ये टैली प्राइम में ऐसे उनका लोगो उन्होंने चेंज किया हुआ है। ये देखने के बाद यहाँ पे एक विंडो आपको शो करेगी। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो आप लाइसेंस में कीजिए, नहीं तो एजुकेशन मोड में भी आप टैली यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए जितनी भी कंपनीज बनी हुई है उसके नेम आपको दिखेंगे। तो आपके इसमें से कंपनी है तो सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हमें कंपनी बनानी है, क्रिएट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्रिएट कंपनी करके, तो उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये पाथ दिया है, जहाँ पे भी टैली आपने डाउनलोड किया इंस्टॉल किया होगा वो सी ड्राइव में मोस्टली होता है, यहाँ पे सी में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे फुल उसका देन आप कंपनी नेम डाल दीजिए, वो एंटर कर दीजिए। आपने कौन से स्टेट से बनाया हो उस स्टेट का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, देन एंटर एंटर। अभी हम लोग इंडिया से, तो इंडिया की करेंसी रुपीस है, तो ऑटोमेटिक वो आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना बाकी फीचर्स ऑफ है, तो उसको ऑन करने के लिए F12 कीजिए। F12 करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल तो ऑलरेडी आएगा, तो यस कर दीजिए। आपको लोगो सेट कर एडिट करना है तो यस, वहाँ पे यस कीजिए। देन हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है अपने टैली में, तो पासवर्ड के जगह पे यहाँ पे यस कीजिए। देन यूजर एक्सेस, आपके पास आपके बॉस या आपके एम्प्लॉय के पास जो भी टैली है उसका एक्सेस आपको चाहिए तो आप यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। ये बात ये सेटिंग हम लोग आगे चल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने अभी फ़िलहाल नो किया है। देन ये देखिए आपको यहाँ पे बाकी फीचर्स ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हमें सेट पासवर्ड करना है, तो हम लोग एंटर करके लोगों तो नहीं एडिट करना है तो उसको नो ही कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेट पासवर्ड को मैं यस कर देती हूँ। तो यस करने के बाद वो पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो आप को जैसे भी पासवर्ड डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। देन कंफर्मेशन पासवर्ड, देन ये पासवर्ड मैंने पहले कंपनी में यूज किया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे आया है, तो मैं पासवर्ड चेंज कर देती हूँ। देन कंफर्मेशन पासवर्ड एंटर, अभी एंटर करके आप सीधे इसको सेव कर दीजिए। देन एंटर, अभी यहाँ पे सीधे विंडो ओपन होता है अगर पासवर्ड नहीं दोगे तो। यहाँ पे अभी पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, तो पासवर्ड टाइप करने के बाद आपका टैली यहाँ पे फिक्चर्स है। तो अभी हमें कुछ ऑन नहीं करना है, हमने सिर्फ कंपनी के क्रिएशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन ही हमें देखना था, तो इसीलिए हम लोग बैक चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।